राइट गाइस, सो अभी मेरी कैब आ चुकी है, सो मैं जा रही हूँ अपनी कैब पे एंड सारा सामान लेके, पीछे बैग भी है एंड आई एम फीलिंग रियली टायर्ड। मेरे बालों की एकदम दुर्दशा हो के रखी है बिकॉज पूरे उलझे हुए हैं। सो जा रही हूँ कैब लेने। कैब मेरी पता नहीं कहाँ, इलाहाबाद बैंक पता नहीं कहाँ खड़ी है, पूरा हज़रतगंज लखनऊ का आई थिंक काफ़ी फेमस है। सो चलो जल्दी से आगे आगे चलते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। आ चुकी है मेरी कैब, अपनी कैब को ढूंढ रही हूँ, मिली नहीं रही, पता नहीं कहाँ पर है, खड़े हैं वो भैया एंड काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में ऐसा मुझे लग रहा है, आई डोंट नो। एंड गाइज, ये जो मार्केट है ये हज़रतगंज में है, तो आई डोंट नो आप लोगों को सही से आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि बहुत शोर है भैया। कैब हो, कैब हाँ प्रज्ञा, ओके इंडियन बैंक को इलाहाबाद बैंक बोलते हैं क्या? चलिए ओटीपी। अच्छा एक सेकेंड। सो कैब मिल चुकी है और अब मैं निकल रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मैंने भैया से पानी लिया, हालांकि है मेरे पास पानी पर बैग में कौन खोलेगा। गाइज निकल रही हूँ मैं मेरी फ्रेंड के घर एंड लवलेन से मैंने क्या क्या खरीदा है वो मैं आपको घर पहुँच के ही बताऊँगी एंड यहाँ पे वो सारा रखा हुआ है शॉपिंग। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग्स कैसे लगे हैं ज़ारा दी के एंड लखनऊ के, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने के लिए ही मैंने किया है, हालांकि थोड़ा सा टफ था मेरे लिए बिकॉज अकेले ट्रैवल करना है नॉर्मल से, तो मुझे ट्रैवल की आदत है अकेले, बट फिर भी। सो आपको मेरे ये ब्लॉग्स कैसे लगे, ये थोड़ा सा मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया ये कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। और अगर पसंद आता है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मैंने बोला एसी चला दो, भैया ने चला ही नहीं, चला दिया, काम ही नहीं कर रही आपकी एसी। अच्छा भैया बोल रहे हैं आपको कि आप तो पीछे हैं, हम आगे बैठे हमको नुकसान करेगी, हमने कहा भैया 2 मिनट को चला दो, पर चला दो। आप ही की कार है ये? अच्छा वो तो आपका काफ़ी अच्छा सुंदर है। अरे मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री जी नमस्ते, हैं भी कि नहीं है, होंगे कहाँ? भैया आपके घर में चलती है कि आपकी वाइफ की चलती है? क्या दौरे मैडम, कैसा सवाल पूछ रही है? पता नहीं होता, अपने अपने उस पर डिपेंड करता है। पूरे वर्ल्ड का यही है, घर घर की कहानी, सही बात है। अरे भैया हम लोग नहीं चलने देते। आपको पता है मैं जब इससे फर्स्ट टाइम, ये मैं इससे सेकंड टाइम मिल रही हूँ, जब मैं इसे फर्स्ट टाइम मिली थी तब ये 1 मंथ की रही होगी, बहुत छोटी सी थी और मैंने इसको मालिश वगैरह भी किया हुआ है। और ये तो पूरी कैसे नकल, मेरी फ्रेंड आती है मैं आपको उससे भी मिलवाती हूँ, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है। ऑलराइट गाइस, तो चलो अब मैं आपको मिलाती हूँ मेरी फ्रेंड से। Here she is. Hello. इसका नाम है कंचन, कंचन शुक्ला, और इसका भी यूट्यूब चैनल है विच इज नेम इज कंचन, कंचन शुक्ला। Hey guys. ओके, सो इसके चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, प्लीज जाइए चेक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो प्यार आपने मुझे दिया है वो इसको भी दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती है एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स भी उसी में रहते हैं, सो प्लीज़ अगर आप लोग इन सबको देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ जाइए चेक कीजिए। अपने चैनल के बारे में बता दो थोड़ा सा। ब्लॉग्स रहते हैं, मेकअप रहता है एंड रिव्यूज़ वगैरह रहते हैं, जो भी अगर मैं ट्राई करती हूँ नए प्रोडक्ट उनको, बस
यही सब रहता है, ट्रिप वगैरह रहती है अगर कहीं जाती हूँ तो, वो सब रहता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंचन शुक्ला नाम है चैनल का, सो प्लीज बस सपोर्ट करिए, जैसे प्रज्ञा को प्यार दिया ऐसे मुझे भी दीजिए। डेफिनेटली इसका लिंक मैं आपको चैनल का दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लो अब हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करते बातें करते, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाय। ऑलराइट गाइस, सो चलो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने लवलेन मार्केट से क्या क्या परचेज किया है, एक एक करके दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है बट 3-4 चीजें हैं जो मैंने वहां से परचेज। मैंने एक ये स्वेटर खरीदा है ग्रे कलर का, ये आप हुडी बोल सकते हो एक तरीके से, ये इसका फ्रंट है, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, इस तरह से यहाँ पे ये फर का कुछ पैटर्न टाइप का दिया हुआ है, एंड ये ऑब्वियसली ऊन है तो वुलन ही है, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से इसका गला आएगा। सो ये मैंने वहाँ से परचेज किया। इसका जो प्राइस है वो उन्होंने मुझे, एक्चुअली आपको लवलेन में बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करानी पड़ेगी, अगर आपको प्राइस वो 750 बोल रहे हैं तो वो आपको आराम से 350 में या 250 तक में भी चीज़ें दे देते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना बार्गेनिंग कराते हो। इनका प्राइस उन्होंने मेरे को बोला था 550 रुपीज़, बट उन्होंने मुझे दिया है ये 300 रुपीज़ में, या 300 रुपीज़, 280 रुपीज़ में आई थिंक दिया हुआ है। सो ये है वो पहला स्वेटर जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है देखने में। आपको इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे कॉमेंट डाउन कीजिएगा ज़रूर। उसके बाद में मैंने वहाँ से एक डेनिम भी परचेज किया है, ये है ब्लैक कलर में, बिकॉज मेरे पास ब्लैक कलर का नहीं था कोई भी जीन्स, तो मैंने इसको लिया। ये एंकल लेंथ का जीन्स है, इसका प्राइस उन्होंने मुझे बताया था 850, बट मुझे इन्होंने ये दिया है 400 रुपीज़ में। जैसे कि मैंने बोला वहाँ पे आपको बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करानी पड़ेगी, एंड काफ़ी डिस्काउंट्स में वो लोग चीज़ें दे देते हैं, एंड कलेक्शन वहाँ पे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले पाई, या मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ जब मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं क्या लूँ। सो ये है वो डेनिम, और ये एंकल लेंथ का है, ये भी काफ़ी अच्छा है। मेरा जो वेस्ट साइज़ है वो है 32, या 32 लिया है, मुझे पता नहीं होगा कि नहीं, मतलब ढीला ना हो बस। उसके बाद में अगेन मैंने एक टी शर्ट, वूलन टी शर्ट परचेज किया है, ये ब्लैक कलर का है वूलन टी शर्ट, और इसमें शीन है गोल्डन कलर की। ये उन्होंने मुझे बोला था 250 रुपीज़ की बोली थी, ये वूलन टी शर्ट ब्लैक कलर की है, एंड इसका जो है मैंने जो प्राइस लगाया था वो 150, बट वो नहीं मान रहे थे, वो मान जाते मुझे लगता है मैं इसमें थोड़ा सा ठग गई हूँ, मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर दी इस ड्रेस में, बिकॉज उनको ये अगर लग गया कि आपको ये चीज़ पसंद है तो वो पैसा आपका कम नहीं करेंगे, उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि आपको ये चीज़ अच्छी लगती है। जो है 250 की बोली थी, मैंने उनको 150 बताया था बट वो नहीं माने, और मुझे चूंकि ये काफ़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने ये 180 में खरीदी है, बट आई थिंक 180 के अकॉर्डिंग भी ये ठीक है, पूरी एक वूलन आपको टी शर्ट मिल जाती है ब्लैक कलर की, विच इज़ रियली रियली क्यूट। लास्ट मैंने एक अगेन वहाँ से टॉप कम स्वेटर आप बोल सकते हो जीन्स के ऊपर खरीदा है, वो है ये वाइट वाइट है, ये क्रीम नहीं है, वाइट कलर का है ये स्वेटर, और ये मुझे मिला है 300 का। सब इन सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही है 300 रुपीज़ का। एक्चुअली इसका प्राइस ना 280 नहीं है, ये 250 रुपीज़ में उन्होंने मुझे दिया है, जी 250 रुपीज़ में दिया है। सो ये था मेरा लवलेन मार्केट का छोटा सा हॉल, छोटू सा हॉल, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लखनऊ के तो डेफिनेटली आप वो मार्केट जानते ही होंगे, बट अगर आप लखनऊ के नहीं हैं और अगर आप कभी आते हैं देन डेफिनेटली आप इस मार्केट में जाइए। चूँकि अभी सर्दियाँ हैं इसलिए वोलन कलेक्शन था, अगर आप समर्स में आओगे तो आपको समर कलेक्शन मिलेगा। आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, सुबह बाय एंड टेक केयर ऑल्सो, बाय गाइस।